चाहेंगे। ये जिस जगह पर बनाया गया था ये जो है जंगली एरिया था, आज भी यहाँ पर जंगल मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। 2000 वर्ष पुराना हमारा ये मंदिर आज भी इस स्थिति में यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए, जैसे ही जंगल से बाहर निकलते हैं तो ये हमारा गणेश कुंड आपको देखने को, बरगद का पेड़ देख रहे हो यहाँ पर, ये अति प्राचीन है। इसका कोई मतलब उम्र नहीं बता सकता कि कितना प्राचीन है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकित साहू ब्लॉग अध्यात्म नगरी अयोध्या से आप लोग का स्वागत करता हूँ फिर से एक बेहतरीन से ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं ओल्ड अयोध्या का सीरीज़ नंबर 4, और सीरीज़ नंबर 4 का हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, अयोध्या के मणि पर्वत से। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या का जो मणि पर्वत है अति प्राचीन है, और इसकी कई कथाएं भी हैं जो कि हम ऊपर चलने के बाद सारी कथाएं जितनी हैं और जितने भी महात्म हैं हमारे मणि पर्वत का अयोध्या में, वो सभी चीज़ जो है क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि ऊपर एक विप्र रहते हैं जो कि मणि पर्वत पर पूजा करते इत्यादि करते हैं। और बात करें मणि पर्वत की लोकेशन की, तो ये अयोध्या के विद्या कुंड, एक कुंड है वहाँ पे स्थित है, मतलब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे ये बना हुआ है। तो बिना टाइम लॉस किए हम ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये मणि पर्वत अयोध्या के सबसे ही हाइट प्लेस पर बना हुआ है, और यहाँ पे चढ़ने के बाद सारी अयोध्या आपको देखने को मिलेगी। अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या हनुमानगढ़ी, अयोध्या दशरथ महल, सभी मंदिर के शिखर यहाँ से दिखते हैं। तो चलिए आइए आपको लेके चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, प्लस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे। सबसे पहली कथा, तो जैसे ही आप ऊपर चलोगे तो यहाँ पर एक पत्थर पर अंकित किया गया, इस पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि देवी सीता जी की इच्छा पर श्री राम जी के आदेश से पक्षीराज गरुड़ उत्तर दिशा से इस मणियों के पर्वत को लाए। भगवान के निर्देशानुसार इसे विद्या कुंड से पश्चिम में स्थापित किया गया। मतलब इस मणि पर्वत की हाइट की बात करी जाए तो लगभग 100 फीट आपको देखने को मिलेगा, एकदम ऊपर चोटियों पर स्थित है। आइए आगे लेके चलते हो, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप बढ़ोगे तो एक बोर्ड और लगाया गया है, इसको आप रीडअप कर सकते हो, मतलब भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मणि पर्वत राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक लखनऊ मंडल लखनऊ। मतलब ये मणि पर्वत जो है राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक के अंतर्गत आता है, और इसको अभी तक संरक्षित करके किस तरीके से रखा गया है। दोस्तों इस मणि पर्वत की एक मान्यता ऐसी भी है, जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था, जब हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर के लौट रहे थे, तो भरत जी ने इन्हें शत्रु समझकर इन पर वार किया, बाण चलाया, शक्ति बाण चलाया, एक बाण चलाया जिससे हनुमान जी घायल हो गए, और जो हाथ में पर्वत लिए थे उस पर्वत का छोटा सा हिस्सा टूट करके इस स्थान पर गिरा था, इसलिए इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, एक मान्यता ऐसी भी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आगे कैसा अनुभव होता है ऊपर चलने के बाद, और कैसी कैसे प्राचीन मंदिर हैं, और वहाँ से कैसा पूरे अयोध्या का लोकेशन दिखता है, हम आगे चल करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों मणि पर्वत के शिखर पर पहुँचने के लिए आपको लगभग 108 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो प्रभु श्री राम की आस्था की बात है, चलिए 108 सीढ़ियों को चढ़ करके मणि पर्वत को आज एक्सप्लोर करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर स्थित है गणेश कुंड, गणेश कुंड की बहुत ही बड़ी मान्यता है और बहुत ही प्राचीन है, वो भी आपको हम आप दिखाएंगे। एक सौ आठ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लगभग पहुँच जाते हैं मंदिर के ऊपरी शिखर से, थोड़ा करीब है, और यहाँ पर आपके जो ये आर्किटेक्चर देख पाओगे ये मंदिर का, ये लगभग आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा प्राचीन नहीं है बट ये आधुनिक है, लगभग 60 से 70 या 80-90 वर्ष पुराना है। और साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे, ये जिस जगह पर बनाया गया था ये जो है जंगली एरिया था, आज भी यहाँ पर जंगल मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। और उधर से अभी हम आपको लेके चलने वाले हैं गणेश कुंड, क्योंकि गणेश कुंड बिल्कुल जंगल के बीच में बना हुआ है। और बात करें ये जो बरगद का पेड़ देख रहे हो यहाँ पर, ये अति प्राचीन है, इसका कोई मतलब उम्र नहीं बता सकता कि कितना प्राचीन है। यहाँ पर आज भी इसी पेड़ पर जो है सभी मंदिरों से प्रभु श्री राम निकल के आकर के सावन में झूला झूलते हैं। फिलहाल अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने के बाद एक्सप्लोर करते हैं अपने मणि पर्वत को। और बात करें इनकी आस्थाओं की, भक्तों की, तो यहाँ पर आकर के भक्तगण यहाँ पर घर बना देते हैं ईंटों को रख करके, उनकी आस्था होती है ऐसी। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं कैसा लगता है हमारा मणि पर्वत। यहाँ पर आने के बाद 108 सीढ़ियाँ कम्प्लीट हो जाती है, और जैसे इधर हम दिखाते हैं तो ये है मंदिर, श्री मणि भगवान का दर्शन अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर ना ये जो चप्पल वगैरह होता है इनको उतारना पड़ता है, अंदर चल के सर्वप्रथम आपको दर्शन कराते हैं, देन आपको ऊपरी शिखर से ले चल के दिखाते हैं कैसी अयोध्या दिखती है।
मंदिर के प्रांगण में आप देखोगे प्रभु श्री राम के साथ अनुज लक्ष्मण जी हैं, माँ सीता हैं, साथ ही में मणि भगवान यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मणि रखी गई थी लेकिन वो जो है गुप्त रूप से इस आकार में प्रकट हो जाते हैं और ये स्वयंभू है, मतलब स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में मणि भगवान है और यहाँ पर प्रभु श्री राम माता सीता यहाँ पर हरियाली का तीज का त्यौहार मनाए थे, इसीलिए वो त्यौहार आज भी यहाँ पर मनाया जाता है। बड़ा ही अलौकिक दृश्य है, यहाँ का दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों ये मंदिर जो है 2000 वर्ष प्राचीन है, मैं 500 वर्ष और 600 वर्ष दिखा रहा था लेकिन ये मंदिर जो है 2000 वर्ष प्राचीन है, त्रेता युग कालीन मंदिर है। हमारे अयोध्या का अति प्राचीन मंदिर की यदि बात की जाए तो उनमें से ये मणि पर्वत आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर जैसे आगे चलोगे तो यहाँ पर खड़ाऊ रखे हुए हैं, यहाँ के जितने भी लोग गुरु होते हैं उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो चरण पादुका है यहाँ पर रखा जाता है। अब जो सेवा कर रहे हैं उनकी भी चरण पादुका यहाँ पर रखी जाएगी निशानी के तौर पर। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको दर्शन कराते हैं पूरी अयोध्या। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ऊंचाइयों पर ये मणि पर्वत बना हुआ है, यहाँ से पूरा एरिया आप देख सकते हो अयोध्या का। अभी इधर हमें चलना है, इधर चलने के बाद आपको एक्सप्लोर कराते हैं मणि पर्वत का शिखर कितनी ऊंचाइयों पर स्थित है। भाई साहब 2000 वर्ष पुराना हमारा ये मंदिर आज भी इस स्थिति में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए मंदिर का शिखर है, यहाँ देख सकते हो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि 2000 वर्ष पुराना ये मंदिर है, यहाँ देख सकते हो। यहाँ से आप पूरा देखिए मणि पर्वत का निचली स्तर कितना ज़्यादा नीचा है और यहाँ से पूरी अयोध्या का दर्शन हो जाता है। ये चखरिया आप ये देखिए पूरी अयोध्या का दर्शन। और बात करी जाए राम मंदिर की तो यहाँ से आपको राम मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको राम मंदिर भी देखने को मिल रहा है, पूरा शिखर यहाँ से राम मंदिर का देखने को मिल रहा है। जय श्री राम दादा जी। जय श्री राम भैया। इस मणि पर्वत के इतना पवित्र स्थान है हमारे अयोध्या में, अति प्राचीन है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताएंगे सर, काहे नहीं बताएंगे जी। यहाँ पर ये मणि पर्वत है जी, यहाँ सीता मैया का स्थान है ये जी जी। और यहाँ पर जब सीता मैया जो ब्याह करके आई हैं हाँ, तो वहाँ पर जो बच्चियों को जो है माता पिता अपने दान दहेज देते हैं हाँ। तो वहाँ पर इतना दहेज माता जी को दे दिए थे, हीरा पन्ना पोखराज मणि वगैरह इतना दे दिए थे कि उसको जो है यहाँ पर एक टीला बन गया, मणियों का एक टीला बन गया। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर जब जनक जी आते थे हाँ। तो वहीं ठहरते थे। अच्छा, यहीं वहाँ पर अपने जैसे लड़कियों को दान कर देते हैं हाँ। बच्चियों को जो दान करते हैं तो वहाँ पर अपने वहाँ का पानी नहीं पीते हैं। अच्छा। तो कभी यहाँ पर तिल्लोकी गंगा बहती थी इधर से। अच्छा। तो देख रहे हो वहाँ किनारे किनारे तिल्लोकी गंगा बहती थी, जाकर सीधे सरयू में जाके मिलती थी। अच्छा। सरयू जी में जाके मिलती थी। अच्छा। जनक जी यहीं अपना लव लश्कर लेकर आते थे, यहीं ठहरते थे, यहीं पर अपना भोजन पानी करते थे, फिर अपने बच्ची से भेंट करके वो लौट जाते थे जनकपुर। ये हमारा मणि पर्वत कितना प्राचीन है? ये बहुत प्राचीन है, ये त्रेता युग का है ये, मतलब हमारे अयोध्या में सबसे प्राचीन स्थल है। हाँ, ये प्राचीन स्थल है, जैसे सरयू मैया बह रही हैं प्राचीन है माता जी, और राम जन्मभूमि है उसी प्रकार ये भी बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन मतलब मंदिर है। जितने भी राम भक्त आ रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए हाँ। उनको यहाँ जरूर आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। यहाँ का पुण्य प्रताप अलग है। अच्छा। सीता मैया का यहाँ का दर्शन करने से, यहाँ का प्रसाद ले जाने से, वो प्रसाद अपने बच्चों को सेंदूर हुआ। ये जो सामने बरगद का पेड़ है महाराज जी, ये कितना प्राचीन है? ये बहुत पुराना प्राचीन, बता नहीं सकते, हम भी नहीं बता पाएंगे। हम भी जो है 50-60 साल के हम भी हैं, लेकिन हमारे जमाने में भी इतनी ये था, हम जो छोटे बच्चे थे अच्छा, यहाँ पर आते थे खेलने कूदने आते थे, पूरा जंगल था ये हाँ। और यहाँ पर सावन महीने में पहला झूला जो है, जितनी भी मंदिर अयोध्या में है हाँ। यहाँ पर पहला झूला यहाँ पर पड़ता है भगवान का। अच्छा। और जितनी पेड़ पालो देख रहे हैं आप, यहाँ पर सब में भगवान का झूला पड़ जाता है। सावन महीने में भगवान पहला झूला यहीं झूलते हैं, इसके बाद अपने अपने मंदिरों में उनका झूला पड़ जाता है। आप गए होंगे वहाँ पे, देखे होंगे झूला, देखे होंगे यहाँ सावन महीने में झूला पड़ता है, भगवान पहले यहीं झूलते हैं, इसके बाद पूरे अयोध्या में झूला पड़ जाता है। अयोध्या का पूरे भारत में झूला पड़ता है, फिर भगवान झूलने लगते हैं सावन महीने में। ये क्या पर्चा निकालता है जी? महाराज जी इतना जानकारी देने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैक साइड से देखिए हमारा मणि पर्वत कैसा लगता है। अभी तो मैं एक्सप्लोर करने चल रहा हूँ गणेश कुंड, और जंगल के बीच से चलूँगा, आगे दिखाऊँगा कि गणेश कुंड कितना ज़्यादा प्राचीन हमारे अयोध्या में। मतलब गणेश कुंड की ऐसी मान्यता है कि जब शिव जी गणेश जी का सर काटते हैं तो उनका जो है सर इसी स्थान पर आके गिरा था। अभी जैसे यहाँ के जो महंत वगैरह हैं उनसे बात किया तो उन्होंने ऐसा बताया,
और हम देखते हैं आज वो स्थान कैसा है, रिनोवेशन हुआ है कि नहीं। देखिए जंगलों के बीच से हम चल रहे हैं, देख लीजिए पूरा एरिया आपको जंगल का देखने को मिलेगा। और जस्ट ये मणि पर्वत के पीछे ही बना हुआ है हमारा गणेश कुंड, आइए आपको लेके चलते हैं। फिलहाल जो गणेश कुंड है ना, अभी तो उसको इतना अच्छा बना दिया गया है, आधुनिकरण कर दिया गया है, उस पर जो है पिंक स्टोन का यूज किया गया है। और एक चीज़ और देख पाओगे, जंगल के बीच में ये बना है मजार, मजार यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। अभी फिलहाल मैं चल रहा हूँ उस साइड, वहाँ देखते हैं। मतलब सर्वेक्षण में, पुरातत्व सर्वेक्षण में कोई ऐसा स्थान मिला जिसमें लोगों को पुष्टि हुई कि यहाँ पर गणेश कुंड कोई था, तो एक बहुत पुरानी शिला मिली, तो अब जा करके उसका निर्माण किया गया है, उसका रिनोवेशन किया गया, जो कि देखने में अच्छा लगता है, जहाँ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे ही जंगल से बाहर निकलते हैं तो ये हमारा गणेश कुंड आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन जब पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा यहाँ पर एक शिला मिला जिसमें वो अंकित था कि ये बहुत ही प्राचीन समय में इसका गणेश कुंड नाम था, तब जा कर के यहाँ पर पुष्टि हुई। और आगे चल करके तमाम प्रकार के मज़ार इत्यादि हैं, कब्र वगैरह। इस शिला की मैं बात कर रहा था, इस शिला से ये पता चला कि यहाँ पर कोई गणेश कुंड था, तब जा कर के यहाँ पर इतना अच्छा रिनोवेशन हुआ और पिंक स्टोन से इसका मरम्मत किया गया। और तमाम प्रकार की जो लाइटें वगैरह लगाई गई भाई, वो आधुनिक तौर पे लगाई गई हैं, और रात में ये बिल्कुल जगमगाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर लोग यहाँ पर देखिए नुकसान कर रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए यार। कम से कम गवर्नमेंट इतना कार्य कर रही है हम सभी लोगों के लिए, तो हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर तमाम गंदगी देखने को मिल रही है, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और बात करें गणेश कुंड की, तो ये स्थिति कर दी गई है। मतलब अभी पिछले बार मैं आया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये गणेश कुंड, लेकिन अभी आज आया हूँ लगभग 7-8 महीने बाद, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर नुकसान किया गया है और तमाम प्रकार की गंदगी भी देखने को मिल रही है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये नहीं होना चाहिए एकदम। देखिए इस साइड तमाम प्रकार के मज़ार हैं और तमाम प्रकार की कब्र हैं, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं मुसलमान उनका है, उस उनके बीच में ये हमारा गणेश कुंड बना हुआ है। अब आगे क्या कार्य होता है वो देखा जाएगा, आपको बताया जाएगा। और देखिए मणि पर्वत इस साइड बना हुआ है जहाँ से हम होकर के आए हैं, और इस गणेश कुंड की मान्यता हम आपको बता दिया किस तरीके से ये गणेश कुंड किस घटना स्थल के लिए प्रख्यात है। दोस्तों इस दीवार पर आप देखोगे यहाँ पर गणेश जी का जो चित्र है वो अंकित किया गया है, सामने ही शिवलिंग है, और गणेश भगवान भी अपने पिताजी का मतलब महादेव की आराधना करते थे। जब भी वो कभी किसी समस्या में फंसते थे तो वो महादेव की ही आराधना करते थे। और यहाँ पर देखोगे साफ साफ लिखा हुआ है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, देख रहे हैं। मतलब इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ पर जो है गणेश भगवान से जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर थी, यहाँ पर ऐसा मनगढ़ंत नहीं है, इस ब्लॉग में कोई ना कोई घटना जरूर थी, तभी इस कुंड का नाम गणेश कुंड रखा गया। और तथा ये ऐसे जगह पर बना है जहाँ पर अयोध्या का अति प्राचीन मंदिर है, जिसको मणि पर्वत बोलते हैं, उसके जस्ट पीछे ये हमारा जो गणेश कुंड है वो बना हुआ है। अयोध्या आइए तो अयोध्या में यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइए, क्योंकि ये जंगलों के बीच में एक अलग सी आभा प्रभा प्रकट करती है ये हमारा जो गणेश कुंड है। चारों तरफ देखिए ग्रीन स्टोन से किस तरीके से इसको बना दिया गया, देखने में भाई क्या ही लगता है। और बात करें लाइटिंग की, तो यहाँ पर देख सकते हो तमाम प्रकार की लाइटिंग भी लगाई गई है। बस लोगों को ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान ना करें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, जो कि मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट को भी इस पर जो है कुछ पहल करना चाहिए कि आखिर इतना पैसा खर्च करके इसको रिनोवेशन किया गया है, बनाया गया है, तो इसकी साफ सफाई को भी लेकर के किसी न किसी कर्मचारी को यहाँ पर नियुक्त कर देना चाहिए, ताकि इस कुंड का देख रेख करे। यहाँ पर तमाम प्रकार के जो नुकसान हो रहे हैं, जैसे कि आप आगे चल के देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कितने महंगे महंगे देखिए साकेट लगाए गए हैं, उनका वर्तमान समय में क्या स्थिति है, ये सब ध्यान देना चाहिए, क्या ही बताएं। एक तो ये जंगलों के बीच सुनसान एरिया में है, और दूसरी बात इधर मज़ार आपको देखने को मिलेगा, उधर मज़ार देखने को मिलेगा, इधर मतलब मज़ारों के बीच में ये हमारा अति प्राचीन जो गणेश कुंड है वो बना हुआ है, और वो भी सेफ़ नहीं है, देख सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई पहल करनी चाहिए।